बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और खूबसूरत गला शेयर करने वाली हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए यहां पे मैंने बकरम ले लिया है, तो मुझे तैयार गला 7 इंच चाहिए। तो यहां पे मैं इंच टेप को डबल करके यहाँ पर निशान लगाऊँगी और इसकी गहराई 5 इंच, तो 5 इंच में निशान लगाऊँगी और स्केल से लाइन्स को ड्रा कर लूँगी। अब हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे। बाहर की तरफ भी हम लाइन को ड्रा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। आयरन से अच्छे से प्रेस करने के बाद इसका ये सेंटर का पीस हम निकाल लेंगे। अब गले की बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसको सिलाई के साथ हम अटैच कर लेंगे। अब हमने जो नेक बनाया है उसको कमीज के सेंटर पर रखकर सिर्फ हम सेंटर पर सिलाई लगाएंगे, हमें इसको गोलाई में सिलाई नहीं लगानी। फ़िलहाल हम इसके सेंटर पर सिलाई लगाएंगे और इसको मशीन से हम निकाल लेंगे। अब इसके गले की कटिंग कर लेंगे। हमने सेंटर पर सिलाई इसलिए लगाई थी ताकि हमारा नेक जो है सेंटर पे बिल्कुल परफेक्ट हो। आप चाहें तो पिंस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो हम इस तरीके से इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस बकरम वाले नेक को फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। अब मैंने बकरम की 2 पट्टियाँ ली हैं जिनकी साइज़ 1 इंच से 1 सूत कम है। अब इन पट्टियों को मैंने कपड़े पर आयरन के साथ अच्छे से प्रेस कर लिया है। जिस तरीके से मैंने ये पट्टियाँ बनाई हैं आप भी इसी तरीके से बनाएंगी। तो एक पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करके आयरन के साथ अच्छे से प्रेस कर लेंगे और दूसरी पट्टी के साथ क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ पट्टी पे कपड़ा लगा है, उसकी साइडों में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। जी फ्रेंड, अब ये पट्टी है, इसकी साइडों में कोई कपड़ा नहीं है, तो इस पर हम ये सेंटर लेस सेंटर में बिल्कुल रखकर सिलाई के साथ हम अटैच करेंगे, क्योंकि इसकी साइडों में हम पाइपिंग लगाएँगे। अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेते हैं। अब मैंने एक और कपड़ा लिया है पाइपिंग लगाने के लिए। अब पाइपिंग के लिए जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो इस सिलाई की अंदर की तरफ लगा रहे हैं ताकि लेस की सिलाई हमारी कवर हो जाए। सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप आयरन के साथ प्रेस करके इस तरीके से हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इसी तरीके के साथ हम लेस की दूसरी तरफ भी कपड़ा लगाएंगे। अब इस कपड़े को भी इस तरीके से मोड़ लेंगे और ऊपर से सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी पट्टी पर हम लेस को साइड में रखकर सिलाई के साथ हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से लेस को हम उल्टा रखेंगे और सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। अब इन दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर आयरन के साथ हम अच्छे से प्रेस करेंगे और इनमें वी बना लेंगे।
ये भी जो है आयरन के साथ अच्छे से बन जाती है, कपड़ा मुड़ जाता है। अगर आपको परेशानी हो तो आप पानी का स्प्रे यूज़ करें और फिर आयरन के साथ इसमें भी बना लें। ये देखें दोनों पट्टियाँ हमारी बराबर राउंड शेप में आ गई हैं। अब कमीज़ में हाफ इंच का हम सिलाई का छोड़ते हुए नीचे जो कट है वो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया था 14 इंच पे, वहाँ पे हम ये बकरम का पीस रखेंगे सेंटर में। ये डबल है, आधा दूसरी साइड आधा इस साइड। कमीज़ को खोलकर ऊपर से भी हम आयरन से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें झोल ना आए। ये देखिए, अब हम यहाँ से हाफ इंच ऊपर सिलाई का छोड़ते हुए यहाँ पे हमें तैयार नेक 7.5 इंच चाहिए, तो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमें जो वी है वो हाफ इंच पे चाहिए, तो हाफ इंच ऊपर से निशान लगाएंगे। अब जो हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं, ये तैयार होने के बाद इस पट्टी की साइज़ 1 इंच है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से लाइन को यहाँ से ड्रा कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रा करने के बाद हमने जो वो पट्टी तैयार करके रखी है उसको इस कमीज़ के ऊपर रखेंगे। ये आधी हमने रखी है, आधी हमारी बाहर की तरफ है, तो इसको कमीज़ के ऊपर इस तरीके से रखकर यहाँ से हम ट्रेस कर लेंगे। जी फ्रेंड, अब इस बकरम में हम कट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे कट का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे, मैं जूम करके आपको बताती हूँ। यहाँ से सीज़र को इस तरीके से लेना है और कट का निशान लगाना है इस तरीके से। अब जहाँ पे हमने मार्किंग का निशान लगाया है वहाँ से हम कट नहीं करेंगे, तो हम दबाव का कपड़ा छोड़ते हुए हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब हम इन पट्टियों को लगाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम नीचे वाली पट्टी लगाएंगे जितना दबाव रखा था उतना ही हम कपड़ा इसके अंदर करके ऊपर के सिलाई के साथ हम अटैच कर लेंगे। यहाँ से ध्यान से इस पट्टी को हम नीचे कर लेंगे। और इसके एंड में यहाँ पे हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब दूसरी साइड वाली पट्टी को भी हम अटैच कर लेते हैं सिलाई के साथ। यहाँ से हम दोनों पट्टियों को अंदर कर लेंगे। अब पट्टियों को हम सीधा कर लेते हैं, तो इन पट्टियों को हमें बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ से आप देखें, अब इसको उल्टा करके हमें दिखाती हूँ, तो नीचे की तरफ ये है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, इसको पक्का कर लेंगे।
अगर आपको लगे नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब गले के ऊपर से ये दोनों कॉर्नर मिलाते हुए इसकी गुलाई में हल्की सी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम सेंटर की सिलाई लगाने के लिए पहले हम नेक की साइज़ करेंगे, तो हमारी नेक जो है वो 7.5 इंच था, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे यहाँ पिन के साथ यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। तो हम सिलाई पट्टी पे बिल्कुल बाहर की तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो खुली खुली थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो यहाँ पे लेस की साइड में से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने नेक बना के रखा था उसको भी सेंटर में से हम कट करेंगे और नेक पर रखकर हम सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम नेक को रखकर सिलाई के साथ हम अटैच कर लेंगे। अब इनमें हल्के से कट लगाकर इस तरीके से मोड़कर ऊपर से हम सिलाई करेंगे। अब इसको इस तरीके से मोड़कर आप इसकी तुरपाई कर लें, मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश।